अगर अच्छी रही फिल्म तो आपकी फिल्म रहेगी, डोंट वरी। अब बुरी रही तो जी तो, नहीं तो, बिल्कुल ही गलत है। अगर अच्छी फिल्म जब हिट हो जाती है तो सबकी फिल्म हो जाती है, और जब फिल्म नहीं हिट होती है तो एक डायरेक्टर की फिल्म रह जाती है। आज युवराज और किसी की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? सुभाष घई ले रहे हैं, और तो कोई नहीं ले रहा। रूरल गर्ल की अपनी कितनी हिम्मत, करेज, साहस, इंटेलिजेंस, कॉमन सेंस, अग्रेशन, जो खूबसूरती, ब्यूटीफुल। तो एक पैराडॉक्स होता है रूरल गर्ल की में कि वो फ्रेजाइल ब्यूटी भी होती है और वो अग्रेसिव भी होती है, वो फूल भी होती है, वो गुलेल भी होती है। तो वही है कांची। तो कांची के लिए क्या स्पोर्ट्स हो सकता है? एक साइकिल, एक आम आदमी का साइकिल, और वो साइकिल में जो जीतती है रेस, और उसके सामने जो फॉल साइकिल रेस के टाइम पे जो उसे फॉल प्ले करने की कोशिश करता है और उसकी जो पिटाई करती है, वो है कांची। साइकिल रेस जीतना उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उसके लिए था कि राइटफुली साइकिल रेस जीती जाए। और ये उसका कैरेक्टर पहली रील में हम लोग इस्टाब्लिश करते हैं, जब इसीलिए उसे बताया जाता है कांची रे कांची। देखिए सबसे ज़्यादा तो पहले मेरे जहन में ये आया कि इस्माइल दरबार तुम 8 साल के बाद फिल्म कर रहे हो। जी जी जी। और अगेन आपको सुभाष जी ने वो इज्जत दी है, तो आप बिल्कुल उस कांची के कैलेबर का म्यूजिक आपको देना होगा, जिस तरह इस कहानी का किरदार है कि कैसे वो बड़े बड़े लोगों से भिड़ जाती है, उसी तरह इस्माइल दरबार तुमको भी अब बहुत लोगों से भिड़ना है। तो बस वो एक एनर्जी थी, वो एक आग थी जो इतने दिनों से अंदर बसी हुई थी। जी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने बड़े हस्ती के साथ बैठने का मौका मिला हमें, मतलब आगे जो भी हो अभी के लिए तो बहुत अच्छा है। कितनी बार डांटा तुमको फिल्म की शूट के दौरान? देखिए डांटते तो वही है जो प्यार करते हैं, ये प्यार भी अपने एक्टर से बहुत करते हैं, डांटते भी है, तो दोनों मिला के वो खट्टा मीठा रिलेशन होता है सबके साथ। देखिए कांची और मेरे में ये फ़र्क है कि हम दोनों का बैकड्रॉप जो बैकग्राउंड है वो अलग है। शी कम्स फ्रॉम द रूरल एरिया, आई बिलोंग टू द अर्बन सोसाइटी। बट आई थिंक कांची एक आम लड़की है और हर आम लड़की का कहीं ना कहीं उसके साथ ताल्लुक है। तो कोई कोई है जो एक्सप्रेस कर पाते हैं, जैसे कांची ने एक्सप्रेस किया है, शी फॉट बैक, और कोई कोई है जो नहीं कर पाते हैं। तो कांची एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है जो हर आम लड़की को या आम यूथ को इंस्पायर करे कि जो उनके दिल में है वो दिल में ना रखे, उभर के आए उनके दिल से और वो अपने लिए और अपने सोसाइटी के लिए कुछ करे। तो आई थिंक कांची से हर कोई कहीं ना कहीं रिलेट कर पाएगा। मुझे अभी तक याद है कि उस लड़की को सुन दिया और ये वहाँ गई, उसने पूरा सीन पढ़ा और 15 मिनट के बाद ये रेडी हो गई, और वो पहला टेक, फर्स्ट टेक, हमने हाथ में ही कैमरा रखा था, 2 कैमरे थे हाथ में रखे ताकि परफॉर्मेंस जो है क्वालिटी आए। और मैंने इसको बोला जस्ट गो, डोंट टेक इंस्ट्रक्शन, जस्ट बर्स्ट। तो मदर के सामने आज तुमको बोलना ही है जो सच बोलना है। और उस वक्त इसने जो सीन किया वो एक ही टेक में 1.25 पेज का पूरा लाइन उस लड़की ने बोला और पूरे यूनिट ने क्लैप कर दिया। क्या और आप सीन देखिए उस फिल्म में, वो सीन फिल्म की जान है और वही इस फिल्म का एक मूल सीन है। कांची जैसा कि सुभाष जी ने बताया कि वो आज की लड़की है, वो आज की लड़की वैसी है जो मोहब्बत में नरम भी है और नफरत में गर्म भी है। वो उस तरह की लड़की है जो अपनी चुनौतियों को सीधे स्वीकार करती है सामने से। तो सुभाष जी के पास एक तस्वीर थी दिमाग में, मैंने जो किया वो मैंने शब्द चित्र बनाया कि शब्द अगर कांची का चित्र बनाए तो किस तरह की तस्वीर बनेगी वो। तो वो मैंने उसका करेक्टर ढालने की कोशिश की, इसीलिए जब गाना बढ़ता है आगे वो कहती है कांची यूं तो कांच के जैसी, तेज भी है पर आँच के जैसी, आँच भी है उसमें, कांच भी है वो। कड़क धूप और ठंडी छांव, एक अकेली पूरा गांव, पूछोगे अब उसका नाम क्या? कांची रे कांची। क्या बात, बहुत खूब।